हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज मैं आप लोग को मैथ फिजिक्स से हटकर कुछ अलग महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं आपके साथ। देखिए, मैंने कुछ दिनों से एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी किया स्टूडेंट्स पर। ये आप सबको पता है कि अभी हम कोविड-19 के प्रॉब्लम के कारण लॉकडाउन कंडीशन से गुजर रहे हैं, और मैं स्पेशली, वैसे तो मैं जो बात आज से आपसे करूंगा वो सबके लिए अप्लाई होता है, लेकिन बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स पर फोकस अपना लेक्चर किया है और मैंने कुछ स्टूडेंट्स पर स्टडी किया है, केस स्टडी किया है, और मैं वहां पर जो फैक्ट पाया वो आपसे शेयर करूंगा। तो अभी मैक्सिमम क्या 100% स्टूडेंट्स ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोचिंग क्लासेस जा पा रहे हैं, न कहीं भी बाहर जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में जा पा रहे हैं, न स्पोर्ट्स के लिए जा पा रहे हैं। इस तरह से वो कम्प्लीटली घर में कैद हैं। अब उनका टाइम किस तरह से यूज़ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा स्टडी का मैटर है। देखिए, हमारी पर्सनालिटी कम्प्लीट हमारे सराउंडिंग के बेस पर बनती है, और हमको पता है कि हम इतने लंबे समय से हमारा पूरा रूटीन चेंज हो जाने के कारण हमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकल चेंज तो हमको वॉच हो जाता है, उसको हम ऑब्वियसली उसको हम देख सकते हैं कि हमें फिजिकली क्या चेंज आ रहा है, कि हमारा वेट ज़्यादा हो गया कि और किस तरह का चेंज आ गया। लेकिन जो मेंटल चेंज है वो खुद को वॉच नहीं होता, और एक बहुत सेंसिटिव मैटर है कि हम इन चीज़ों पर, खासकर बच्चों के मेंटल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैंने पाया है कुछ केस स्टडीज़ मैंने कुछ स्टूडेंट्स पर किया, तो मैंने पाया है कि अभी इस लॉन्ग ड्यूरेशन में घर में रहने के कारण बच्चों में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं ये लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे बच्चों की कंप्लीट पर्सनालिटी ही ना चेंज हो जाए, कि आफ्टर लॉकडाउन जब हमारे बच्चे स्कूल जाएँ या कोचिंग क्लासेस में जाएँ तो उनका पूरा बिहेवियर, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो चुकी हो, और जो यदि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आज मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, और पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मेरा लेक्चर दोनों पर बेस्ड है, तो दोनों इस बात को ध्यान देंगे। देखिए, एक टाइम था, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, कि मैं जनरली अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए हमेशा मैसेज करता था कि आपको मोबाइल मिनिमम यूज़ करने हैं, आपको टीवी नहीं देखने हैं, आपको लैपटॉप कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंटरनेट पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आज देखिए, आज हमारी आवश्यकता कहें, हमारी मजबूरी कहें, या जो भी कह लें, आज ज़रूरी है। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास से या यूट्यूब से या बहुत सारे अदर रिसोर्स से स्क्रीन पर बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, और मैंने वॉच किया है कि यदि इसको हम प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को, उसके साथ काउंसलिंग ना करें, प्रॉपर वे में हम उनको ना समझाएं, तो मुझे लगता है कि मिसगाइड हो सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा जिसमें हम हाउ टू यूज़ स्क्रीन, हम अपने स्क्रीन को कैसे यूज़ करें, दैट मीन्स मोबाइल, टेलीविज़न या कंप्यूटर, लैपटॉप कैसे यूज़ करें, इस पर मैं कुछ टेक्निकल आपसे बात करूँगा। देखिए, अभी हम जब ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं या यूट्यूब से, आप मेरे खुद के भी क्लास के मैथ फिजिक्स के लेक्चर यदि आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए हमें पेरेंट्स का भी थोड़ा हेल्प चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को इस ड्यूरेशन में इस सब्जेक्ट का स्टडी इस चैनल से करना है, तो उसमें आपके टाइम, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1 आवर पढ़ाई करेंगे, 3 आवर, 4 आवर ओनली सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और तो मैंने कई लोगों को देखा है कि पढ़ाई वो कम करेंगे और अदर फील्ड में सर्च करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे पूरा एक दुनिया है, एक बहुत बड़ी दुनिया है, समुद्र है वो, आप उसमें खो जाएंगे, आप उसमें डूब जाएंगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोला कि प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए आप कि मेरे को इतने टाइम में इस सब्जेक्ट का यहाँ से ये पढ़ाई करना है। दूसरा, मैंने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा है कि स्क्रीन एडिक्शन हो सकता है, हमको स्क्रीन एडिक्शन डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 24 घंटा मोबाइल के साथ में जुड़े रहें, और फिर उस समय हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, मैंने देखा कि बहुत से बच्चे बेड में सो के अपना मोबाइल देख रहे हैं, या सोफे में आराम से बैठे हुए अपना
पढ़ रहे हैं, बस मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं। या मैं खुद जब ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या जूम क्लास लेता हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होते जैसा हम बाकी टाइम में होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप पेन पेपर लेके आप क्लास में बैठिए, आप प्रॉपर अपने स्टडी टेबल में बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए और आप वहाँ पर नोट डाउन करिए। मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो अभी स्टडी किया वो ये है कि यदि लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा स्टूडेंट ओनली स्क्रीन से पढ़ाई करेगा तो उसकी राइटिंग और रीडिंग हैबिट समाप्त हो सकती है। और यदि ऐसा किसी बच्चे के पर्सनैलिटी में परमानेंट चेंजेस आ जाए कि आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, 5 मंथ, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो सपोज़ लंबे समय तक वो लिखना और पढ़ना छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि बाद में जब हम ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना हम लोग को करना पड़ सकता है। हो सकता है उसको लिखने में प्रॉब्लम आए। ये मैं साइकोलॉजिकल में इन चीज़ों को पढ़ा हूँ, मैंने स्टडी किया है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके हाथ प्रॉपर नहीं चलेंगे, क्योंकि लंबे समय तक यदि आप अपना हैबिट चेंज करेंगे तो उस हैबिट में आपका परमानेंट चेंजेस आ सकता है। आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको बुक रीडिंग करने का मन नहीं करेगा, हो सकता है आप हर चीज़ को स्क्रीन में देखना चाहेंगे, तो एक बहुत बड़े डिसऑर्डर के हम शिकार हो सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ही संवेदनशील मैटर पर आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है अभी आप में से बहुत लोग को मेरी बात बहुत लाइटली आप ले रहे होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये मैं साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है वो फिर आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत होता है। तो दूसरी बात मैंने आपको बोला कि आप अपने राइटिंग और रीडिंग हैबिट को समाप्त होने मत दीजिए, आप स्क्रीन में पढ़ने के बाद उसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और आप अपने रीडिंग हैबिट को बना के रखिए। दैट मीन्स हमारे लेक्चर के बाद आप बुक रीडिंग जरूर करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्क्रीन में हम क्या देख रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टिकटॉक पर बिजी हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आल्सो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आपके मोबाइल में टिकटॉक ऐप है तो मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पहला काम उस ऐप को आप डिलीट कर दीजिए मोबाइल से, क्योंकि चाइना ने हमारे बच्चों के हाथ में टिकटॉक थमा दिया और अपने बच्चों के हाथ में काम थमा दिया। हम बर्बाद हो जाएंगे। टिकटॉक में बच्चों को मैं इतना इन्वॉल्व हो पाता हूँ, अर्लियर एज से बड़े एज तक के। मैं शॉर्ट टाइम में आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं अपने केस स्टडी को डिटेल एक्सप्लेन करूँ तो 2 आवर्स 3 आवर्स में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा उसको, इसलिए मैं पूरा डिटेल पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने खुद कुछ बच्चों को देखा है जो टिकटॉक पर इतने बिजी हो गए हैं कि बगल में कोई उनको आवाज़ दे रहा है उसको सुन नहीं पा रहे हैं, इतने डूबे हुए हैं। तो प्लीज़ आप इस समय अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को आप पढ़ने के लिए यूज़ करिए, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। चौथा इम्पॉर्टेंट बात मैं पेरेंट्स के लिए बोलूँगा कि जिस तरह से हम टीचर्स ऑफलाइन क्लास में, कोचिंग क्लास हो, स्कूल हो, हम स्टूडेंट को प्रॉपर सुपरविजन करते हैं कि वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसके क्लास में एक्टिविटीज़ क्या है, आज डियर पेरेंट्स, आज अपने स्टूडेंट्स के घर में आप ही टीचर हैं, आपको ही उसका सुपरविजन करना होगा। आपने समय के, ये बात मैं मानता हूँ कि लाइफ में कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होता, हर सिद्धांत परिस्थिति जन्य होता है। जैसी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही हम सिद्धांत बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि आज के डेट में हमको अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल लैपटॉप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो इन चीज़ों से ना पढ़ाई करें तो हो सकता है और बच्चों के कंपेरिजन पिछड़ सकता है। हमको देना पड़ेगा, लेकिन हम दे के रिलैक्स नहीं हो सकते, दे के हमको सुपरविजन भी करना पड़ेगा। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जब भी आपका बच्चा, एक तो आप प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि इस ड्यूरेशन आपको पढ़ना है, और जब भी आपका बच्चा यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके ई क्लास यूज़ कर रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका प्रॉपर सुपरविजन करिए। आप कंटिन्यूअस उसके पास नहीं बैठ सकते, तो कुछ देर में आके उसको स्क्रीन को सुपरविजन जरूर करिए कि आपका बच्चा स्क्रीन में क्या देख रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाना बहुत जरूरी समझा क्योंकि मैं ये 2-3 महीने में जिस तरह से ऑनलाइन क्लास लिया और जिस तरह से मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में बच्चों को यूज़ करते देखा, तो ये मैंने कुछ बच्चों पर इसको स्टडी किया और मुझे लगा कि ये बात मुझको आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे लास्ट में बता दूं कि कभी भी लाइफ में सक्सेस का जो सबसे बड़ा फंडा है वह है एडाप्टेशन विथ सिचुएशन।
सिचुएशन के साथ आपका एडाप्टेशन कैसा होता है, आप कैसे अडॉप्ट करते हैं उसको, किस तरीके से आप अपने लाइफ में उसको शामिल करते हैं। तो आज हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि सिचुएशन के हिसाब से हमको मोबाइल, टेलीविज़न या फिर लैपटॉप से पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल। जिस तरह से मैं साइंस का एक एग्जांपल दूं, तो यूरेनियम 235 जब ब्लास्ट होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो हिरोशिमा नागासाकी पैदा होता है, लेकिन जब वो कंट्रोल्ड होता है तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम उसको ब्लास्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, लेकिन हम बम बना के उसको गिराते हैं तो हम हिरोशिमा बनाते हैं, नागासाकी बनाते हैं। एग्जैक्ट यही सिचुएशन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करिए, लेकिन कंट्रोल। अदरवाइज मेरी बात आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर 3, 4, 5, 6 मंथ जब आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे, आपसे पेन लेके लिखते नहीं बनेगा। इसलिए आपको मेरा लास्ट मैसेज यही है कि आप अपने रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स को ऑनलाइन क्लास या YouTube के क्लास के कारण समाप्त होने मत देंगे। ध्यान रखेंगे कि जितने आप वीडियो से देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप लिखें और बुक से रीडिंग करें। तो यही मेरा एक मैसेज है आपको, क्योंकि मेरे भी YouTube वीडियोस आप बहुत सारे लेक्चर देखते हैं। अच्छा, एक लास्ट में एक बात आपको मैं ये बता दूं कि आप YouTube में बहुत ज़्यादा टाइम वैसे सर्च करने में वेस्ट मत करिए, सर्च करें वेस्ट मत करिए। एक दो दिन आप सर्च कर लीजिए कि किस टीचर का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आता है, किसके कंटेंट्स अच्छे हैं, और आप कुछ पर्टिकुलर टीचर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रॉपर, जिस तरह से आप कोचिंग क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह से आप स्कूल में टीचर आपके पास सेलेक्टेड होते हैं, वैसे आप उनको सेलेक्ट करिए और प्रॉपर स्टडी करिए, एग्जैक्ट वैसी जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं। अदरवाइज आप उलझ जाएंगे और प्रॉफिट से ज़्यादा हमको लॉस हो जाएगा, और बाद में हमारे पास सिर्फ पछताने के सवाल कुछ नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।